हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल लार्ज कैप बैंक कोटक महिंद्रा लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक को डिस्कस करने के वेरियस रीजन है। सबसे पहला रीजन है इनके प्रमोटर्स और सीईओ जो मिस्टर उदय कोटक जी हैं, जिनका एक मार्केट में प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। इनकी इंटेग्रिटी इंटैक्ट है मार्केट में, कि इनके जैसा प्रमोटर्स किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है। तो एक बार हम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के बिजनेस को देख लेते हैं कि किस बिजनेस सेगमेंट पे काम करती है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर मैंने kotak.com इनकी वेबसाइट को ओपन किया हुआ, आप भी जाकर इसको देख सकते हैं कि किस किस सेगमेंट पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो इनका जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, पर्सनल बैंकिंग है, बिजनेस बैंकिंग, कॉरपोरेट, प्राइवेट बैंकिंग, तो इस तरीके की अलग अलग बैंकिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। अगर एक बार हम इनके एक्सप्लोर प्रोडक्ट सेगमेंट को क्लिक करें तो यहाँ पर इनके अकाउंट्स ओपन दिखा रहा है, कि यानी कि किस किस अकाउंट को ये ओपन करते हैं। सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रिटेल अकाउंट, तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स एज पर कस्टमर नीड ये ओपन करते हैं। डिपॉजिट्स पे अगर हम क्लिक करें तो क्या क्या डिपॉजिट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, टैक्स सेवन फिक्स डिपॉजिट, इस तरीके की। कार्ड सेगमेंट पे अगर एक बार हम देखें तो ये क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, डेबिट कार्ड्स भी हैं, इस तरीके के कार्ड्स ये प्रोवाइड कराते हैं। लोन्स में होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, अलग अलग तरीके के यानी कि डिफरेंट लोन भी ये प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस भी है इनके पास, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है। इन्वेस्टमेंट पे देखा जाए तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, जो इनका कोटक महिंद्रा का AMC बिजनेस है, उसके थ्रू भी ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक तरीके से बैंकिंग में जो कस्टमर की नीड होती है वो सारे ही सर्विसेज ये बैंक प्रोवाइड करता है। एक बार हम इनके फंडामेंटल को देख लेते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट क्या कह रही है, कि किस सिनेरियो पे इनके प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, रेवेन्यू कैसे क्या है। तो एक बार हमने यहाँ पर screener.in पर कोटक महिंद्रा बैंक को ओपन किया, आप देख सकते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 354,000 करोड़ का है, यानी कि यह एक लार्ज कैप प्राइवेट बैंक है और ये बैंकिंग सेक्टर में थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। करंटली ये 1787 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। इसका 52 वीक हाई 1998 का है। स्टॉक P/26 का है, यानी कि जो कंपनी का शेयर प्राइस है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26 का है। बुक वैल्यू 487 की है। डिविडेंड यील्ड 0.06 है। बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करती है कंपनी। कंपनी का ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 6.29% का है। ROE 13.3% का है। यानी कि अगर हम कभी भी किसी भी बैंक के या NBFC को देख रहे होते हैं तो उस समय हम फंडामेंटल में ROC पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। हमारा मेन फोकस होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि अपनी इक्विटी पे कितना कमाते हैं। तो 13.3% का रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा किसी भी NBFC या किसी भी प्राइवेट बैंक के लिए, जिसका कि मैनेजमेंट क्लीन, कंपिटेंट, ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, जिसका कि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इस तरीके की कंपनी के फाइनेंशियल्स में रिटर्न ऑन इक्विटी का इतना होना अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। और कंपनी का पी जस्ट 26 का है, तो बहुत ज़्यादा हाई पी पे कंपनी नहीं ट्रेड कर रही है। एक बार हम इनका कुछ फाइनेंशियल रेशियोज देख लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉस NPA कंपनी का दे रखा है 2.33%, यानी कि कंपनी का ग्रॉस NPA जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, मार्जिनल ही है, 2.3% के आसपास है। नेट NPA और भी कम है, 0.6% के आसपास है। कंपनी का कासा रेशियो 58% है। ये कासा रेशियो किसी भी फाइनेंशियल बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कासा रेशियो ये करंट और सेविंग अकाउंट का एक रेशियो होता है, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, ये फाइनेंशियल टर्म है। प्रेजेंटली जो बैंक ऑपरेट कर रहा है 1700 ब्रांचेस के साथ ऑपरेट कर रहा है, और इसके पास 2700 से ज़्यादा ATM है इंडिया में। 45% इसकी जो ब्रांचेज हैं वो मेट्रो सिटीज़ में है, जबकि रेस्ट 55% इसकी ब्रांचेज जो हैं अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरिया में है। नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में भी इनका 30% के आसपास इनका टोटल जो ब्रांचेस का अकाउंट निकल के आता है। कस्टमर बेस लगभग
3.2 करोड़ कस्टमर्स हैं कंपनी के पास आज की डेट में, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल्स टर्म दे रखे हैं, आप एक बार जाकर खुद से भी अपने आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का इस बैंक के बारे में कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज से आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपना, एक बार हम कंपनी के रेवेन्यूज को देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जो अभी इनका सितंबर 22 का रिजल्ट आया था, इसमें कंपनी ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू 9,994 का पोस्ट किया हुआ है। और अगर एक बार हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लें तो इसमें नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट के ही करीब, यानी 3,600 के आसपास इसका नेट प्रॉफिट निकल के आया है, 3,608 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आया है, जो इसके पहले सिर्फ मार्च 22 क्वार्टर में 3,892 का था। यानी कि कंपनी ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पोस्ट किया और लगभग हाईएस्ट एवर ही नेट प्रॉफिट के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। और इसका ग्रॉस एनपीए भी इस क्वार्टर में काफी रिड्यूस हुआ है, 2.09%, यानी कि लोएस्ट एवर ग्रॉस एनपीए हुआ है कंपनी का, और नेट एनपीए भी लोएस्ट एवर है, 0.60। कंपनी अपने एनपीएस को, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, लगातार कम करती जा रही है। किसी भी बैंक के लिए बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होता है कि वह एक रिवाइवल के फेस में है और लगातार अपने रेवेन्यूज को बढ़ाती जा रही है, अपने नेट प्रॉफिट को हाईएस्ट एवर करती जा रही है। एक बार हम इनका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इनका 12 ट्रेलिंग मंथ का रेवेन्यू निकल कर आ रहा है, तो 36,623 करोड़ का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इन्होंने पोस्ट किया है 12 ट्रेलिंग मंथ में। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हाईएस्ट एवर है, 17,931 करोड़ का ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अगर हम टैक्स के बाद की बात करें तो 13,658 करोड़ का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के साथ ईयर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने पोस्ट किया है। एक बार हम इनके रिजर्व्स की बात कर लें तो कंपनी का रिजर्व्स 95,000 करोड़ के आसपास है, जो हाईएस्ट एवर है। और कंपनी की बारोइंग्स, ये बारोइंग बैंक्स के केसेस में बारोइंग्स जितना ज्यादा बढ़ती है, इसका मतलब वो आरबीआई से उधार लेकर लोगों में और ज्यादा डिसबर्स कर रहे हैं लोन को, तो ये हाईएस्ट एवर है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है किसी बैंक के लिए। एक बार हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लें तो प्रमोटर्स के पास 25.96% की होल्डिंग है, जिसमें इनके मेन प्रमोटर उदय उदय कोटक जी के पास ही सबसे ज्यादा होल्डिंग है 25.96% की। एफआईआईएस के पास 40.92% की होल्डिंग है। डीआईआईएस की बात करें तो डीआईआईएस ने अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाया और अभी डीआईएस की होल्डिंग 19.96% की हाईएस्ट एवर डीआईएस होल्डिंग है। जिस प्रकार से प्रमोटर्स ने अपना कुछ जो माल था वो सेल ऑफ किया था, उसका फायदा डीआईएस ने उठाया और सारा जो भी सेल ऑफ एफआईएस की तरफ से हुआ है वो डीआईएस ने कंज्यूम किया है, क्योंकि बैंक के फाइनेंशियल्स लगातार अच्छे हो रहे हैं। सिर्फ मार्केट में ओवरऑल प्रेशर की वजह से बैंक नीचे आया हुआ है, तो एज सच बैंक में कोई खराबी नहीं है, इसका फायदा डीआईएस ने उठाया और अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया। अगर हम रिटेल पब्लिक की बात करें तो रिटेल पब्लिक के पास 13.16% की होल्डिंग है, जिसमें भी 1.31% की होल्डिंग कैलेडियम इन्वेस्टमेंट के पास है, यानी रिटेल पब्लिक के पास मोटा मोटा 12% की होल्डिंग है। एक बार हम कंपनी का ये हमने फाइनेंशियल डिस्कस कर लिया, एक बार हम इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का टेक्निकल चार्ट पैटर्न ओपन किया है इन ट्रेडिंग व्यू पर। डेली चार्ट पैटर्न मैंने यहाँ क्लिक किया, आप देख सकते हैं इस हिसाब से मैंने यहाँ इस तरीके से ओपन किया हुआ है। तो यहाँ मैंने बेस लाइन को ड्रॉ किया, जो करंट मार्केट प्राइस है 1787 के आसपास। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 2254 के आसपास कंपनी ने बनाया था, और अगर इसके ऑल टाइम हाई से करंट प्राइस को डिस्कस करें तो लगभग 20% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे एक बहुत ही अच्छी चीज डेवलप हुई है, इसलिए मैंने इस बैंक को पिक किया आपके लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2019 दिसंबर 2019 के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 1736 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 1736 के आसपास था। और अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं इस समय जनवरी 23 के आसपास चल रहे हैं, तो अभी भी कंपनी का शेयर प्राइस 1787 के आसपास है। यानी कि जो इनका शेयर प्राइस 2019 में था, अभी भी एज सच शेयर प्राइस को लेके एज सच कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुई है। जबकि अगर हम एक बार इनका 2019 पे नेट प्रॉफिट कंपेयर करते हैं आज के जनवरी 2023 से, तो यहाँ पे मैंने एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ईयरली बेसिस पे 2019 का
रेवेन्यू ओपन किया हुआ है, तो इनका रेवेन्यू सॉरी 29,000 का निकल के आया था, 29,831 करोड़ का, जो कि 12 ट्रेलिंग मंथ में 36,623 करोड़ का है। यानी कि रेवेन्यूज 3 इयर्स में लगभग 7,000 करोड़ के आसपास बढ़ा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी 7,204 करोड़ का था, जो बढ़कर 13,658 करोड़, यानी कि 6,000 के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि शेयर प्राइस में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये कंपनी के शेयर प्राइस ने जो इनका एक टाइम करेक्शन होता है, उस टाइम करेक्शन को बखूबी पूरा कर लिया, यानी फेज्ड मैनर में कंपनी का शेयर प्राइस जो है टाइमली करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ से बहुत बहुत ज्यादा डाउनसाइड की पॉसिबिलिटीज नहीं है। जब मैं इस तरीके से कोई बात कर रहा हूँ तो मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं। अगर हम इस बैंक को करंट प्राइस से लेकर ही इसका जो ऑल टाइम हाई था उस तक ही होल्ड करें तो इसका गेन लगभग 26% के आसपास निकल के आता है। अगर 26% किसी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैंक में, जो कि इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, उस जिसके जिसके प्रमोटर्स फंडामेंटल सब कुछ बहुत अच्छा है, तो अगर 26% का गेन विद इन 1 ईयर निकल के आता है तो अपने आप में बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर डाउनसाइड पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है। बट अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी की वजह से अगर यह शेयर प्राइस और थोड़ा सा नीचे मिलता है, आपको 1736 के या 1730 की रेंज में मिलता है, तो वहां से भी एक्युमुलेट कर सकते हैं। और इसमें एक साथ पैसा नहीं लगाना है आपको। अगर 10 शेयर प्राइस आप खरीदने की पॉसिबिलिटीज है या क्षमता है आपके पास, तो आप एक दो शेयर प्राइस लेके अगर 10-20-50 पॉइंट फॉल होता है, तो हर फॉल पे आप एक दो अकुमुलेशन करके धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं, और कम से कम 1 साल का विजन लेके आप चल सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपने ड्यू डिलीजेंस से डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल का जो कंटेंट है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।